कैसे हैं आप लोग। मैं सीबू गेम पोर्टल 3.0 की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और भाई, आपने जो डिस्कॉर्ड में लव दिखाया है, क्या बताऊं, मेरे डिस्कॉर्ड के टोटल मेंबर हो चुके हैं 1400। अगर आपने अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लेयर गेम भी खेल सकते हैं, जैसे अमंग अस। आपके जो उसमें फैन आर्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं जल्दी ही इस चैनल में अमंग अस के मल्टीप्लेयर गेम्स भी लाने वाला हूं, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया तो, और अच्छे अच्छे फैन आर्ट भेज के आप शाउट आउट का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले बार हुआ ये था कि माइकल ने गलती से एक माफिया का घर तोड़ दिया था। अब वो उससे पैसा चाहता है, $2.5 मिलियन। अब ये माइकल कहाँ से इकट्ठा करेगा, ये सोचने की बात है। इसलिए उसका एक फैन लेस्टर है, वो उससे मिलने जा रहा है। आपको याद होगा, बैंक रॉबरी के समय एक और मेंबर था जिसको गोली लगी थी, वो था उसमें से एक, जिसको पैर में एक्चुअली गोली लगी थी, वो था लेस्टर। अब बहुत दिनों बाद माइकल को फिर से ज़रूरत पड़ी है लेस्टर की, तो अब वो उससे मिलने जा रहा है। शायद उसका कुछ प्लान है आगे का, तो देखते हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी ये मैप है, इसमें L जो लिखा हुआ है वो लेस्टर का घर है। तो यहाँ अपन GPS मार्क कर देते हैं, जिससे पूरा रूट मैप बन जाएगा। उसके बाद हम लेस्टर से जाके मिलेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। Doc. Hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि माइकल किस चीज़ का मेडिकेशन लेता है और वो डॉक्टर कौन है। मेरे ख्याल से वो डॉक्टर जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, और माइकल थोड़ा परेशान है अपनी फैमिली को लेके, तो हो सकता है उससे कंसल्ट करता हो। तो खैर, माइकल ने तो रिटायरमेंट ले लिया था अपने इस लाइफ से, लेकिन अब शायद उसको वापस जाना पड़ सकता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड लेस्टर के पास फिर से जा रहा है। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं अच्छा हो जाऊँ इस ड्राइविंग में। भाई, ये कैसा पुल है, ये तो टूटा हुआ है यहाँ से, अगर ध्यान नहीं दिया तो सीधा नीचे। खैर, जैसा आपने देखा कि मैप देखने से ही पता चल रहा है कि मैंने सिटी को पूरा एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया है, तो अभी तक बहुत सारे पार्ट्स हैं सिटी के जो अनओपन्ड है। खैर, GTA का जो ये मैप है लॉस सैंटोस, काफ़ी बड़ा है, इसको बहुत जगह है इसमें एक्सप्लोर करने की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली है, और यहाँ ड्राइविंग करने का अपना एक ही अलग ही मज़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि जब बहुत अमीर हो जाऊँगा मैं GTA 5 में, तो बहुत सारी कार्स रखूँगा अपने पास में। तो अभी इसका जो GPS है वो रूट तो यही दिखा रहा है, यहीं से जाना है। मतलब जो इस बार GTA 5 बना है ना भाई, लॉस सैंटोस क्या डिटेलिंग के साथ बना है, एक एक रोड, एक एक चीज़ इतनी डिटेल के साथ बनी है ना कि यहाँ ड्राइव करने का मज़ा ही आ जाता है। तो अब शायद राइट मुड़ना है, ओके यहाँ से राइट मुड़ना है, तो इस साइड जाना है, अभी भी काफ़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है, 0.454 माइल दिखा रहा है। माइल्स मतलब होता है 1.6 किलोमीटर में एक माइल होता है, तो इतना दूर है लगभग, मेरे ख्याल से अभी भी कितना, लगभग 600 मीटर्स लगभग बाकी है, या 800 मीटर्स लगभग। अब भाई, होप कि लेस्टर हमारी हेल्प कर दे, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड एक्चुअली। तो आगे वाले स्ट्रीट से आई थिंक मुझे राइट मुड़ना है, ये वाला स्ट्रीट है, तो यहीं आसपास होना चाहिए लेस्टर का घर। भाई, माइकल इतना अमीर हो चुका है, उसका लेस्टर जो दोस्त है यहाँ रहता है, माइकल को इतना सारा पैसा कहाँ से मिल गया, ये अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि गोली तो माइकल को भी लगी थी। तो मेरे ख्याल से नहीं, ये वाला घर है, तो यहाँ जाके देखते हैं। ओके, fuck you Lester, you gonna let me in or what? Give me a minute. ओके, तो दरवाजा ओपन हो चुका है, यहीं से हमको अंदर जाना है। I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're going to make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something. So why not help each other? I got to make some dough.
So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. ओके तो हमको अब लस्टर के लिए कुछ काम करना है जो उसने कहा है उसका कोई राइवल है उसके घर में जाके हमको कुछ करना पड़ेगा ऑफिस में तो अभी हमको सब अर्बन स्टोर ढूंढना है कहाँ पर है ये और वहाँ जाकर हमारे लिए अपने लिए अच्छे कपड़े ढूंढने होंगे क्योंकि हमको ऐसे प्रिटेंड करना है कि हम वेब डिज़ाइनर हैं और उसके लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं आई थिंक तो अब देखते हैं यहाँ पर मार्कर अपने आप आ चुका है और सब अर्बन स्टोर में हमको जाना है सब अर्बन स्टोर एक्चुअली में कपड़ों का एक स्टोर है जहाँ से हमको अपने लिए नए कपड़े लेने हैं तो भाई यहाँ का ओ माय गॉड देखिए यहाँ का रोड देखिए कैसा है बढ़िया ओ भाई टकराना नहीं हाँ जिसका डर था वही हुआ टकरा गया चलो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जितना हो सके उससे क्लीन निकल सकूँ तो अभी तो स्ट्रेट रोड है आराम से इसमें से जाना है कई बार थोड़ा समझ नहीं आता भाई कि कहाँ से रोड है इसमें डायरेक्शन समझना मुश्किल हो जाता है कि ऊपर वाले रोड से जाना है कि नीचे वाले रोड से जाना है और आई थिंक ये मेरे साथ ही नहीं कई लोग के साथ भी होता होगा क्योंकि यहाँ कई रोड आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड है और जो मैप दिखाता है वो समझ में नहीं आता इस समय राइट लेना है या कि आगे में राइट लेना है तो अभी तो बराबर चल रहे हैं हम अभी भी मैप में जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 0.7 माइल्स दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास में तो अब यहाँ से राइट लेना है लेकिन कौन से रोड में यही मेरे साथ प्रॉब्लम होता है ओ माय गॉड 2-3 बार चेंज हो गया यही एक डर है कि किधर से जाना है ये समझ नहीं आता सामने के रोड से जाना है कि इस रोड से जाना है तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ से टर्न लेना है कहाँ से लेना है सामने वाले सेक्टर लड़ लेना है यहाँ से नहीं यही मेरे साथ मुश्किल होता है A few moments later. तो काफ़ी मुश्किलों के बाद अब मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ ये सब अर्बन स्टोर में ये है SU लिखा हुआ है तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं अब हमको अपने लिए अपने कुछ कपड़े लेने होंगे ताकि हम वो लस्टर की जो राइवल कंपनी है उसमें जा सके तो अब यहाँ जाना था ये है सबअर्बन भाई स्टोर तो बहुत बढ़िया है क्या स्टोर है भाई एक्सक्यूज मी आई गॉट दिस इंटरव्यू विद दिस टेक कंपनी आई थिंक आई नीड समथिंग आई डोंट नो गीकी यूथफुल Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Okay, तो अब हमको अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढने होंगे पर किस साइड से? पहले मैं एक काम करता हूँ कि शॉर्ट्स देखूँ या जैकेट्स देखता हूँ तो जैकेट्स के पास जाने से तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से पहले शॉर्ट्स के पास जाना पड़ेगा ओके तो अब पिक करते हैं हम शॉर्ट्स माइकल का रिएक्शन देखने लायक है क्या रिएक्शन बनाया माइकल भाई फ्रस्ट्रेटेड है कि ये क्या पहना रहे हैं उसे खैर मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है इस पर सूट भी कर रहा है
आई थिंक इसको लेना चाहिए। अब नेक्स्ट बारी है मेरे ख्याल से टी शर्ट की या जैकेट की। ओके एक बार इसको ट्राई करते हैं। फिर से माइकल का रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से GTA 5 का ये जो बनाया गया है मज़ा आ रहा है मुझे। तो ये ऑरेंज कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसके अंदर जो स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट है वो भी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और अब हमको जाना है लाइफ इन्वेडर ऑफिसर्स। तो अब हम चलते हैं भाई नए लुक के साथ में माइकल के, और होप कि अभी कुछ लोकेशन तो दिख नहीं रहा है, कार पे बैठने पे शायद लोकेशन दिख जाए। तो अभी हम बैठते हैं कार में। ओके लोकेशन दिख गया। अब हमको वापस जाना है लाइफ इन्वेडर ऑफिस में, जो कि यू टर्न मारना पड़ेगा यहाँ से। माइकल, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Okay, तो अब हमको उस बिल्डिंग के अंदर घुसना है और कोई डिवाइस इसके अंदर फिट करना है। आई थिंक मेरे ख्याल से उनका एक प्रोटोटाइप है जिसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहता है लेस्टर, और उसमें हमको कोई चिप या फिर कोई डिवाइस डालना, पता नहीं क्या करना आगे। तो हमको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम उस ऑफिस के अंदर घुस पाएँ। अभी भी मैप में 0.3 miles दिखा रहा है कि बहुत पास है बिल्डिंग। मेरे ख्याल से जस्ट पास में ही ये रही है, सामने ये बिल्डिंग है जिसमें हमको जाना है। एल लिखा हुआ है। तो इसका एंट्री कहाँ से है, क्या मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ? ओके तो ये जगह दिख रहा है, अब गो टू रियर एंट्रेंस। ओ भाई ये क्या दब गया भाई, ये स्लो मोशन में क्यों जा रहा है? ओके तो अभी हमको इसमें का एंट्रेंस ढूंढना पड़ेगा, वो भी रियर एंट्रेंस। Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm turning consultant okay, तो अब हमें प्रोग्रामर का पीछा करना है। बढ़िया, बिल्डिंग में घुसना तो बहुत ही आसान था। आई थिंक ये कोई टेक कंपनी है जहां हम लोग जा रहे हैं। वाओ भाई क्या ऑफिस है, बहुत बढ़िया बना के रखा हुआ है। क्या फॉरेन में ऐसी ऑफिसेस होते हैं? ओ भाई यहाँ तो गेम जोन भी है। वाओ, अगर टाइम पास करना है तो यहाँ आके गेम भी खेल सकते हैं। Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Should do it. Okay, उसका कंप्यूटर में कुछ काम था। Okay, तो अब ये एंटीवायरस इसमें डालना था। एंटीवायरस डन हो गया। Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. अब लिखा है रिग द प्रोटोटाइप। ओके तो इसी की तो हमें तलाश थी। तो आई थिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रीन डॉट बना हुआ है, तो इस रूम के अंदर है आई थिंक वो प्रोटोटाइप। तो इसमें करना क्या है? आई थिंक ये है सूटकेस में। ओके ये तो फ़ोन लग रहा है, फ़ोन एक प्रोटोटाइप है, इसमें करना क्या है? ओके ये कुछ कर रहा है। ये फ़ोन है, इसके पीछे में इसने शायद कोई डिवाइस लगाया है और उसे बंद करके रख दिया। तो चलो यहाँ पर तो हमारा काम ख़त्म हुआ है, अब एग्जिट द बिल्डिंग। अब जहाँ से आए थे हमको वहीं से जाना है वापस। तो ये तो इजी है, मैं तो जान रहा हूँ जहाँ से हम आए थे आराम से वहीं से वापस जा सकते हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये मिशन पूरा हो जाएगा। तो देखिए वॉल्स, देखिए भाई कितने कलरफुल है। यहाँ काम करने का अलग ही मज़ा होगा भाई। सोचिए आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको वीडियो गेम्स भी खेलने मिले, तो और क्या चाहिए बताओ। तो यहाँ से मैं उतरा था, यहाँ से जाने का रास्ता था? नहीं नहीं नहीं,
यहाँ से नहीं है मेरे ख्याल से। मैं कहाँ से आया था? यहाँ जाके देखता हूँ, शायद यहाँ से जाने का रास्ता हो। कि यहाँ से मिल गया बाहर जाने का रास्ता, लेकिन वो ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम आए थे। तो अभी मेरे ख्याल से हम बाहर के रास्ते से आ गए हैं। अभी मेरे को अपनी कार ढूंढनी पड़ेगी। इतनी देर से ये रन नहीं कर रहा था भाई, बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल रन नहीं कर रहा था, ताकि किसी को सस्पिशियस ना हो कि आप अचानक से क्यों दौड़ रहे हैं। और जैसे ही ये बिल्डिंग के बाहर आया, उसका दौड़ना चालू। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पीछे साइड ये है हमारी कार रखी हुई है, तो हमारा काम तो हो गया यहाँ पर। Hey Michael, hold on. Domed! I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. तो यहाँ पर तो हमारा काम पूरा हो गया, हमने रिक कर दिया डिवाइस को, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आराम से हम अब टीवी देख सकते हैं। तो ये माइकल का घेर है यहाँ पर, जहाँ आराम से बैठ के माइकल टीवी देख सकता है बड़े से स्क्रीन में। तो आई थिंक हमारा मिशन हो चुका है। ओके, तो आई थिंक हमने मिशन कर दिया, तो यहाँ पर मिशन होता है ख़त्म। अब देखते हैं हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।